हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज मतलब सुबह के 4 बजे मैं इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, घर पे ही शूट कर रहा हूँ, अभी बाहर नहीं निकला क्योंकि बाहर अंधेरा है और लाइट के सामने ही शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि अंधेरे में जाएंगे तो ऑलरेडी इसमें प्रकाश कम हो जाएगा और हमारा मतलब रात में नहीं शूट कर सकते ना दोस्तों अपने मोबाइल से, तो इसलिए लाइट के पास शूट कर रहे हैं। और दोस्तों, हम 4 बजे ही आज सुबह ही प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हम एक भैया के साथ जा रहे हैं दोस्तों, कुछ काम है, यानी कि गंगा जल लाना है, रुद्राभिषेक है, वो तो आपको मतलब आज का पूरा सीन दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा सीन रहेगा। पूजा मतलब होगा ना घर में, रुद्राभिषेक भगवान का अभिषेक होगा भगवान शिव का, तो आज पूरा ब्लॉग आप देखिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। तो चलिए फटाफट से, अभी 4 बज गए हैं, 4:17 हो गए हैं, तो चलिए फटाफट से चलते हैं और भैया के साथ चलेंगे तो आपको मतलब माहौल दिखाएंगे और संगम तट पर पहुँच कर भी थोड़ा बहुत शूट हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं और आपको मिलते हैं दोस्तों संगम तट में मज़े के साथ। आपका भाई संगम तट से वापस आ चुका है, हम गए थे, आपको दिखा भी दिए। वहाँ पर दोस्तों हम जल लेने गए थे क्योंकि रुद्राभिषेक में जो मतलब भगवान शिव का अभिषेक होगा दोस्तों, वो गंगा जल से ही होता है। हालांकि जिनके पास नहीं होता दोस्तों, वो जल से भी कर सकते हैं, शुद्ध जल से, लेकिन आपके भाई यहाँ से मतलब गाँव से करीबन मान लीजिए 35 किलोमीटर दूरी है। तो गए थे दोस्तों बाइक से, लेके आ गए गंगा जल। अब रुद्राभिषेक होगा, पंडित जी आएंगे तब होगा, तो अभी तो आए नहीं हैं, उन्हीं का इंतजार है दोस्तों। और हम तो अपना नहा धोकर फुर्सत हो चुके हैं और एक सिंपल सा ड्रेस डाल लिया, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए कब तक आते हैं, उन्हीं का इंतज़ार है। सब कुछ तैयारी हो गई है, मम्मी अपना मतलब प्रसाद के लिए जो मतलब आटे गूंथ बनाती हैं तो वो बना रही हैं अपना, तो चलिए वो भी दिखाते हैं और बताएंगे प्रसाद में क्या है। तो चलिए फटाफट से उनका इंतज़ार करते हैं और आपको दिखाते हैं प्रसाद में क्या है। फाइनली गाइस, आपका भाई पूजा पाठ करके उठ चुका है और हम भगवान शिव का अभिषेक भी कर चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब खाना पीना का कार्यक्रम है, वो सब अपना अंदर मम्मी लोग कर रही हैं और आपका भाई दोस्तों बाहर निकल कर थोड़ा सा शूट कर रहा है और मौसम का नज़ारा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अंदर बैठ बैठ कर मतलब इतना ज़्यादा उब गए थे बैठे बैठे। 4-4.5 घंटा पूजा हुई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी आपके भाई को, इसकी उठ कर बाहर निकले हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं। और आज लगता है दोस्तों भगवान मेहरबान होंगे, बारिश गिरेगी और बहुत दिन हो गए दोस्तों, महीने हो गए होंगे, मतलब पूरे खेत सूख गए हैं दोस्तों, बारिश नहीं हो रही है, बारिश से किसानों की फसल भी नहीं लग पा रही है, तो आज हो सकता है भगवान मेहरबान हो। और हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है दोस्तों, इसलिए आपका भाई बाहर आ गया सुकून की ज़िंदगी जीने, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रही थी। अभिषेक करते समय पसीने से दोस्तों मैं आप नहा चुका था, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था, भगवान शिव का अभिषेक कर रहा था, उनको तो नहला रहा था और मैं खुद भीग रहा था पसीने से, बाकी कि अब ठीक है सब। तो दोस्तों अब चलते हैं, खाना पीना खाते हैं और आज का ये ब्लॉग आपके कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। छोटा सा ब्लॉग था, उसमें हम लोगों ने सबको दिखा दिया, गंगा जी भी गए वो दिखा दिया आपको, रात से उठकर शूट कर रहे हैं, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।